सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर सिद्धार्थनगर जिले और पड़ोसी मुल्क नेपाल के अधिकारियों की एक बैठक हुई। भारतीय क्षेत्र के अलीगढ़ व एसएसपी कैंपस में हुई इस बैठक में सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी दीपक मीना, पुलिस अधीक्षक विजय ध्रुव सहित जिलास्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले के जिलास्तरीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर दोनों तरफ के लोगों से सहयोग और आपसी सामंजस्य बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जिलाधिकारी दीपक मीना और पुलिस अधीक्षक विजय धूल ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित अलीगढ़ व बॉर्डर पर कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान और वहां मौजूद स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना वायरस को लेकर नेपाल सीमा से आने वाली लोगों पर विशेष निगाह रखी जा रही है और उनका परीक्षण कर उन्हें आने दिया जा रहा है। जिले से सटी सभी चौकियों से नेपाल और भूटान से आ रहे लोगों की ही एंट्री हो रही है। अन्य देशों से आने वाले लोगों को महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर से ही प्रवेश दिया जा रहा है। लोग खुली सीमा का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न करें, इसके लिए सीमा बल और सीमा पर रह रहे आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। नहीं देखिए, फॉरेनर्स पहले भी एक तरीके से अलाउड नहीं थे इन पोस्ट से। ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट नहीं है कोई भी, तो यहाँ से नेपाल और भूटान के लोग आ सकते हैं, पर बाहर के लोग पहले भी नहीं आ सकते थे अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म या कोई वैसा जा रहा है। तो आपको जैसा अवगत है कि टूरिस्ट साइट सारी बंद कर दी गई हैं 2 अप्रैल तक, और हमने ये स्पष्ट बता दिया गया है कि भूटान और नेपाल को छोड़ के कोई भी फॉरेन नेशनल यहाँ से नहीं जाएगा। अगर पोरस बाउंड्रीज हम ध्यान भी दे रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाइना का नेशनलिस्ट कहीं किसी खेतों में घुस के, जब तक ऐसी उसकी मंशा ना हो। और ऑलरेडी सोनौली बॉर्डर खुला है, अगर किसी को ट्रैवल भी करना है तो थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल वो सोनौली बॉर्डर से यूपी में आ सकता है, यूपी से वापस से जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम है। फिर भी हम लोगों ने अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी, पंचायती राज डिपार्टमेंट को भी, हर जगह ईओज हो या ग्राम प्रधान हो, उनको भी सचेत किया हुआ है। उनको भी बोला हुआ है बॉर्डरिंग विलेजेस पे कि अगर इस तरीके का प्रकरण संज्ञान में आता है तो तत्काल हमारे को अवगत करवाएंगे। लगातार जाया जा रहा है, क्या कोई मजब तक सामने आया और क्या अभियान चलाया जा रहा है? नहीं देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत है कि 60 डिस्ट्रिक्ट्स भारत नेपाल की सीमा पे लगते हैं, तो वो पहले से ही हाई अलर्ट पे भी थे और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स भी थे। हमारे ऑलमोस्ट 5 चेक पोस्ट है जहाँ से आवागमन होता है, बाकी तो पोरस बाउंड्री है। उसी के क्रम में बाकी जगह भ्रमण हम रेगुलरली कर भी रहे हैं, बाकी जगह टीम्स भी हैं, हर जगह पे टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर्स भी दे रखे हैं, और किसी को कोई सिम्टम्स भी है तो उनको भी ट्रैक किया जा रहा है और उनको भी CHC या PHC पे रेफ़र किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज जो बगल में हमारा डिस्ट्रिक्ट है कपिलवस्तु, उनके मतलब DM एक तरीके से, उनके SPs, उनके मेडिकल ऑफिसर सबके साथ एक बैठक हमने यहीं पर रखी थी और इन बातों पर चर्चा की थी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रहे, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट रहता है, उनके कोई केसेस हैं, उनका भी पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें। व्हीकल्स को या हाट बाज़ार या जो भी गैदरिंग वाली जो बॉर्डर्स के आसपास होती है, कई बार मेला भी ये भी लगता है, बाज़ार भी लगता है, उसको भी डिस्करेज करें। शॉर्ट व्हीकल्स को भी ये बोल रहे हैं कि जिसमें लोग भर के ऑटो जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्करेज करें। तो इन सब मुद्दों पर बात भी हुई है और कोशिश यही की जा रही है, जैसे कि ऊपर से भी निर्देश यही है कि सब जगह गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं 2 अप्रैल तक। आपके सभी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जिम या जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको भी बंद करने के लिए कहा गया और अवॉइड करने के लिए कहा गया गैदरिंग्स। अभी तक ऐसा कोई भी पॉजिटिव केस सिद्धार्थनगर में नहीं पाया गया। कुछ केसेस थे जिनमें सिम्टम्स थे तो उन लोगों को हमने टेस्ट में भी भेजा तो वो नेगेटिव भी आए हैं, और जैसे भी पता चल रहा है, जैसे कल भी पता चला कि कुछ लोग UAE से ट्रैवल करके आए हैं, तो उनको भी हमने एम्बुलेंस भेज के हॉस्पिटल में अलग से आइसोलेशन में कर दिया है। तो अभी तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं है, अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, पूरी तैयारी पूरी है। आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना लिया है। चेक पोस्ट पर मेडिकल की टीम ऑलरेडी लगा दी है, RRTs या जो भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है या बाकी भी जितनी भी टीम्स हैं, कंट्रोल रूम ऑलरेडी CMO साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया है, और हम हर कोई लोग हाई अलर्ट पे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि पूरा कंटेन रहे और लोग सेल्फ डिक्लेरेशन भी करें अगर कहीं ट्रैवल करके गए। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ इमरजेंसी भी या केसेस बढ़ते भी हैं तो हम लोग उससे वेल प्रिपेयर्ड रहें।